हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशन। और आज ये वीडियो है, दरअसल ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ लेकिन ये वीडियोस मुझे लगा कि बनाना चाहिए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ग्रेडअप एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर ना केवल एसएससी रेलवे की प्रिपरेशन अच्छी हो रही थी, वहाँ से बैंक, टीचिंग और गेट संबंधित एग्जामिनेशन कवर कर रहे थे ग्रेडअप। नाउ ग्रेडअप चेंज हो गया है, ग्रेडअप को एक्वायर कर लिया गया है बायजूस के द्वारा। और आप लोगों को पता है बायजूस ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में भी एक एडटेक कंपनी में अपना नाम बना चुकी है। मुझे जो वीडियोस बना रहा हूँ इस पे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इस पे कि ग्रेडअप चेंज हुआ है, कुछ लोगों को पता भी है कुछ लोगों को नहीं पता है। अभी हाल ही में बिल्कुल चेंज हो गया है ग्रेडअप का, अगर आप देखते हैं उनका प्लेटफॉर्म पर जाके तो सब कुछ चेंज हो गया है। ग्रीन कलर था उनका और वो सब चेंज हो के आपका पर्पल हो गया है, बैगनी कलर चेंज हो गया है। प्रॉब्लम ये है डियर कि क्वेश्चन ये उठता है या आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ उठेगा कि जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, जो कि चैनल्स हैं, उनको एक्वायर किया जा रहा है बड़ी कंपनियों के द्वारा, तो उससे बेनिफिट है छात्रों को या नहीं। देखिए, बेनिफिट तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि बेनिफिट वो लोग तो कहेंगे ही डेफिनेटली बेनिफिट है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो मैं अपना रखना चाहता हूँ। देखो, जब आप सबको पता है जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है तो उसमें बहुत सारी पार्टियां होती हैं, और अगर ऐसी कंट्रीज़ हो जहां पर तानाशाही चले, जैसे कि आपके पाकिस्तान ले लीजिए या म्यांमार ले लीजिए, जहां पर तानाशाही चलती है या एक ही पार्टी का शासन हो, तो वहां पर चीज़ें अच्छी तो नहीं हो सकती हैं, डेफिनेटली नहीं अच्छी होती हैं, और डेमोक्रेटिक कंट्री ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर एक मार्केट में कोई एक कंपनी आ जाए और पूरा मार्केट को एक्वायर कर ले, पूरा मार्केट उसका ही कब्जा हो जाए, तो वो अपने प्रोडक्ट को उसके जितना बनाएगा उतना वो प्राइस रखेगा। तो मेरा थोड़ा सा संशय इस पर बनता है कि अभी जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी का नाम लेते हैं, अनअकैडमी सब लोग जानते हो, उन्होंने वाईफाई को एक्वायर किया और वाईफाई इस फील्ड में काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा था, तो सब कुछ तो चेंज हो गया उसमें भी। उसी प्रकार बायजूस जब ग्रेडअप को चेंज कर रहा है, मतलब ग्रेडअप को एक्वायर किया, तो उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली आएगी। हालांकि उनके एजुकेटर्स अगर देखोगे तो जो रिव्यू है वो लोग कह रहे हैं कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। हाँ, कुछ भी चेंज नहीं होगा, एजुकेटर चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा, लेकिन मुझे जो लग रहा है ना, इन फ्यूचर में क्या होगा, हो सकता है प्राइजेस हाई हो जाए। ठीक है, ये एक संशय होता है, और ये चीज़ें अच्छी नहीं है एजुकेशन के फील्ड में कि दो तीन संस्थाएँ हों जो कि पूरे मार्केट को वही कैप्चर कर लें, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इन फ्यूचर में प्रॉब्लम आने वाला है, और प्रॉब्लम किसको आएगा, हम ही लोग को आने वाला है। तो ये मेरा एक थोड़ा सा डाउट है इस पे, क्योंकि मार्केट इसी तरह का क्या हो रहा है कि एक्वायर किया जा रहा है और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, क्योंकि ग्रेडअप का बहुत अच्छा नाम था। ग्रेडअप का अगर हम लोग बात करें, टेस्ट बुक उनका टेस्ट जो था वो बड़ी बढ़िया था, और टेस्ट बुक का भी बढ़िया होता है, ग्रेडअप के बढ़िया होता है, दो तो बढ़िया होते हैं। अगर एसएससी, रेलवे, बैंक, इन सब के फील्ड में बात करें, टीचिंग में बात करें, तो इनका टेस्ट बढ़िया था, तो सब कुछ तो वैसे ही रहने वाला है। लेकिन दिक्कत वही है कि मार्केट में जब दो तीन कंपनियां, बड़ी कंपनियां का अगर शासन हो जाएगा तो डेफिनेटली वो लोग प्राइस जितना चाहेंगे उतना हाई करेंगे, तो ये एक इश्यू है। बड़ी कंपनियों को, छोटी कंपनी जो खरीदते हैं उनमें प्रॉब्लम यही लगता है मुझे, ये मेरा ओपिनियन है, और देखते हैं आगे क्या होता है। एंड थैंक यू।